नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के लेक्चर में जो हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो कृषि को जो देखेंगे, इसके पूर्व में हम लोगों ने जो नीतियों के बारे में अध्ययन किया था, आर्थिक नीतियां, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि आर्थिक नीतियां दो प्रकार की होती हैं। एक क्रियात्मक नीतियां होती हैं और दूसरा नियंत्रक नीतियां होती हैं। तो क्रियात्मक नीतियों के अंतर्गत ही हम लोगों ने पांच प्रकार की नीतियों को देखा था, और इसके अंतर्गत नियोजन नीति, दूसरी कृषि नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति और जनसंख्या नीति को देखा था। तो हमने इसके पहले नियोजन को जो है समझ लिया, दो लेक्चर इस पर अपलोड किए गए व्यवस्थित ढंग से। नियोजन पर एक फैक्चुअल और एक जो है मेंस संदर्भ में जो है लेक्चर अपलोड किए गए हैं। तो दोनों से ही जो है लेक्चर के माध्यम से आपको नियोजन से संबंधित टॉपिक एक बेहतर ढंग से जो है समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर पुनः देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आर्थिक नीतियों के अंतर्गत जो है क्रियात्मक नीति में हम लोग आज कृषि को जो है समझने का प्रयास करेंगे। कृषि भी हम जो है दो से तीन लेक्चर में जो है कवर करेंगे, क्योंकि कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अगर देखा जाए तो इंडियन इकॉनमी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। यद्यपि जीडीपी में तुलनात्मक रूप से दोनों क्षेत्रों की अपेक्षा, यानी कि सेकेंडरी और सेवा क्षेत्र दोनों की अपेक्षा कम रोल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे आय का मामला हो, चाहे निर्यात का मामला हो, इन सभी क्षेत्रों में जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखने में यह सफल रहा है। अगर ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो स्वतंत्रता के समय इसका हर क्षेत्र में जो है जीडीपी में या जो है रोजगार के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन समय के साथ साथ जैसे कोई भी देश विकसित देशों की तरफ अग्रसर होता है तो कृषि का योगदान वहां पे या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है, और धीरे धीरे जो है औद्योगिक और अंत में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है। तो उसी तरीके के पैटर्न पर भारत भी जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, और कृषि के क्षेत्र में इसका योगदान जो है प्रतिशत या आनुपातिक रूप में कम हुआ है। कृषि में भी विकास हो रहा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी की तेजी से अगर देखा जाए तो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में है। अगर मान के चलिए कि किसी टाइम पर जो है औद्योगिक क्षेत्र यह है, कृषि क्षेत्र यह है, औद्योगिक क्षेत्र यह है, सेवा क्षेत्र यह है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि कृषि क्षेत्र यहां पर पहुंच जाता है, औद्योगिक क्षेत्र यहां पर पहुंच जाता है, और सेवा क्षेत्र यहां पर पहुंच जाता है। इसको ऐसे दिखाया जाए तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब अगर देखा जाए तो पहली स्थिति ये रही है और दूसरी स्थिति जो है ये रही है। अब यहां पर देखेंगे तो आनुपातिक रूप से अगर देखा जाएगा प्रतिशत रूप में, तो निश्चित तौर पर कृषि का योगदान जो कम हुआ है, लेकिन हम अगर आंकड़ों में देखेंगे और क्वांटिटी मात्रा में देखेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें भी वृद्धि हुई है, और यही एक देश के जो है विकसित देश की तरफ बढ़ने और अग्रसर होने का जो है एक लक्षण होता है, और यही लक्षण कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में भी जो दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इन सभी बातों के बाद ये निष्कर्ष है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो है कृषि का एक महत्वपूर्ण जो है योगदान है, और प्राथमिक क्षेत्र को कहीं ना कहीं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के रूप में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि कृषि का जो है एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्र है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर ले जाने के लिए कृषि का व्यवस्थित स्ट्रक्चर्ड होना बहुत जरूरी है। भारतीय कृषि का जो है एक रोल बहुत है, महत्व है, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ समस्याएं भी हैं, चाहे वो भूमि को लेकर के हो, चाहे वो क्रेडिट यानी कि साख को लेकर के हो, विपणन को लेकर के हो, उत्पादन को लेकर के हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बनी हैं जिसको हम अगले टॉपिक इसी जो है लेक्चर के अंतर्गत जो है अगले बिंदु के रूप में जो है इसकी समस्या और महत्व के रूप में जो है विशेषताओं के रूप में जो है देखेंगे। तो इसमें सामान्य परिचय इसके महत्व और विशेषताएं, इन तीनों जो है पॉइंट को इसमें हम लोग देखेंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत जो है कृषि का हमेशा से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत सरकार की नीतियों के अंतर्गत ये हमेशा से जो प्रयास रहा है कि कृषि का जो विकास किया जाए, कृषकों की आय को दुगुना किया जाए, जो कि भारत सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजनाओं के रूप में संचालित भी वर्तमान समय में हो रहा है, और इस तरीके से जो है लोगों के जीवन स्तर को उठाने का जो प्रयास किया जाए, इसके लिए समय समय पर आयोग और समितियां बनाई जाती रही हैं। कृषि से संबंधित सरकार की नीतियां भी होती हैं ताकि कृषि को विकास करके इस पे निर्भर लोगों के जीवन स्तर को जो ऊंचा उठाया जा सके। अगर इसके महत्व को हम लोग देखें तो निश्चित तौर पर
काफी महत्व है, कई महत्व हैं जिसे अर्थव्यवस्था में ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। तो सबसे पहली बात जो है इसके महत्व को हम लोग देखेंगे तो रोजगार के लिए। अगर स्वतंत्रता के समय देखा जाए तो लगभग 68 से 70% लोग कहीं ना कहीं रोजगार के लिए कृषि पर जो निर्भर थे, यद्यपि आज की भी डेट में जो देखा जाए तो कृषि में संबद्ध लोगों की संख्या और प्रतिशत जो है 53 से 54% जो बताई जाती, जो देश के आधे जनसंख्या से लगभग ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में कृषि का जो है बहुत ही मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि यदि कृषि मजबूत नहीं होगी, उत्पादन की क्षमता इसमें नहीं बढ़ेगी, तो ये इतने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा बन उठाना और उसको मेंटेन करना इसके लिए जो कठिन हो जाएगा। तो रोजगार के लिए लोग इस पर निर्भर हैं, क्योंकि भारत अभी भी कहीं ना कहीं विकासशील देशों की श्रेणी में है, अभी भी पूंजी और टेक्नोलॉजी, पूंजी निर्माण की स्थिति विकसित देशों की तुलना में अभी इसके पास कम है। तो हमारे यहाँ के लोग जो है ज्यादातर कृषि पर निर्भर हैं, और यह कृषि ही जो है कहीं ना कहीं लोगों को किसी न किसी रूप में रोजगार देने का जो है काम करती है। राष्ट्रीय आय कृषि का राष्ट्रीय आय में अगर हम स्वतंत्रता और आज की डेट में देखें तो उस वक्त भारत का कृषि का भारत की जो है जीडीपी में योगदान लगभग 52% था, यद्यपि आज की डेट में कृषि का योगदान घट करके 13 से 14% हो गया है, और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 15% के आसपास होता है, जिसके अंतर्गत जो है पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, खनन और उत्खनन इत्यादि को जो है सम्मिलित किया जाता है, और सारे क्षेत्र मिलकर के प्राथमिक क्षेत्र बनते हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने क्षेत्रक पर जो है चर्चा किया हुआ था। तो ये राष्ट्रीय आय में जो है इसका अभी भी महत्वपूर्ण योगदान कहीं ना कहीं जो है बना है। दूसरा, कच्चे माल के रूप में। कुछ ऐसे जो है उद्योग हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, पटसन उद्योग है, चीनी उद्योग है, ये पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर हैं, और यहां से इनको कच्चे माल के रूप में जो है सामग्री प्राप्त होता है, और उसके माध्यम से जो है विनिर्माण किया जाता है वस्तुओं का, उसका मूल्य वर्धन किया जाता है, और इसके लिए जो है इसका संपूर्ण रोल जो है कहीं ना कहीं जो है कच्चे माल के रूप में कृषि का होता है। भारत में जितने भी प्रतिशत इकाइयां जो उत्पादन के क्षेत्र में लगी हुई हैं उनका 15% जो है वो कृषि से ही जो है 15% इकाइयां कहीं ना कहीं जो है वो कृषि से जो संबंध है। तो इस तरीके से जो है कच्चे माल के रूप में इसका जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। व्यापक बाजार भाई, कच्चा माल उसके प्रयोग के बाद में बने हुए तैयार माल की बिक्री के लिए भी जो है ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो उसको खरीद सके। तो कृषि में जो है जुड़े हुए जो लोग हैं अभी भी 54% 53% लोग उसी पे जो जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से बने हुए जो माल आते हैं या उद्योगों के विभिन्न प्रकार के जो उद्योगों से जो भी वस्तु उत्पादित होते हैं उनका जो खरीद होता है, उनकी जो बिक्री होती है, उसके लिए व्यापक जो है रोजगार, व्यापक जो है बाजार बनाने और प्रदान करने का काम कहीं ना कहीं जो है कृषि करता है। कोई भी वस्तु उत्पादित होती है उसकी बिक्री के लिए लोगों का होना आवश्यक है, और वो लोग कहीं ना कहीं इंडिया में ज्यादा संख्या में कृषि में जुड़े हुए हैं तो वो खरीदते हैं, तो इस रूप में जो है एक बाजार का भी जो है काम करते हैं। निर्यात, कृषि से संबंधित उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय जो है प्राप्त होता, विदेशी आय जो है प्राप्त होता है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार में विदेशी मुद्रा के माध्यम से ही विदेशी वस्तुओं को मंगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे पास विदेशी मुद्रा का होना आवश्यक है, और इसमें भी कृषि का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और अगर देखा जाए तो कृषि का जो है भारत से किए जाने वाले निर्यात में जो है कृषि का योगदान जो है वो 10% के आसपास होता है, और इस तरीके से देखा जाए तो भारत दुनिया के 15 अग्रणी जो है कृषि निर्यातकों की देश में की सूची में जो है सम्मिलित है, यानी कि 15 अगर ऊपर से देश लिए जाएं जो कृषि उत्पादित वस्तुओं को जो है बाहर भेजते हैं, निर्यात करते हैं, तो उन 15 देशों की सूची में भारत का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस रूप में यह माना जा सकता है कि राष्ट्रीय आय के लिए, रोजगार के लिए, कच्चे माल के लिए, उन तैयार माल के बाजार के लिए तथा विदेशी आय को प्राप्त करने के लिए, विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने के रूप में इसका महत्व कहीं ना कहीं जो है रेखांकित किया जाता है। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो है भारत में कृषि का एक जो है महत्वपूर्ण योगदान और रोल रहा है।
अब हम इसमें देखेंगे जो है कृषि की जो है विशेषताएं। अब कृषि की विशेषताओं में जो है उसकी कुछ समस्याएं भी जो है आएंगी, उसके जो है विशेषताएं भी जो है आएंगी, और ये चैप्टर जो है आपके निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से संबंधित भी एक टॉपिक आपके निबंध में जो सिविल सर्विसेज में अगर देखा जाए तो वहाँ पे पूछा जाता है, या जो भी निबंध से संबंधित जो परीक्षाएं हो सकती हैं उन सभी जो परीक्षाओं में जो है यहाँ से सवाल जो पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि यहाँ से संबंधित सवाल आपके प्री के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू सभी जगहों पर पूछे जा सकते हैं। अब हम विशेषताओं को जो देखते हैं, भारतीय कृषि की जो पहली विशेषता है मानसून भारतीय कृषि की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें खाद्यान्न फसलों की जो है अधिकता है। खाद्यान्न फसलों की अधिकता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो है अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित फसलों का ही उत्पादन करते हैं, और यहाँ पर जो है व्यावसायिक फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है। व्यावसायिक फसलें इसमें जो है उत्पादित नहीं की जाती, और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन न करने का परिणाम क्या होता है कि इनके द्वारा जो उत्पाद होते हैं अगर वो कुछ मात्रा में अतिरेक के रूप में बचते हैं तो उससे इनकी आय बहुत कम होती है, और व्यावसायिक फसलों से इनका आय बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो खाद्यान्न फसलों की अधिकता के कारण से जो है ये लोग जो है अधिक आय प्राप्त नहीं कर पाते हैं और गरीबी के दुष्चक्र में भी कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। अगली विशेषता है बहुप्रकारीय कृषि। बहुप्रकारीय जो है कृषि, बहुप्रकारीय कृषि से क्या तात्पर्य है? बहुप्रकारीय कृषि से तात्पर्य भारत में जो किसान हैं उनकी ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो अपने आवश्यकता के अनुसार उत्पादन के योजनाएं बनाते हैं, और चूंकि किसी भी व्यक्ति या परिवार की जो है आवश्यकताओं में कई फसलें आती हैं इसलिए ये एक वर्ष के अंतर्गत लगभग सभी फसलों का उत्पादन करने का जो प्रयास करते हैं, इसलिए कोई भी फसल बहुत व्यवस्थित व्यावसायिक ढंग से वो नहीं हो पाती है। तो बहुप्रकारीय कृषि भी इसकी एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता होती है। अधिकांश लोगों का कृषि में नियोजित होना, जैसा कि अभी इसके पूर्व में जो बताया गया कि स्वतंत्रता के समय भारत में जो बहुत संख्या में लोग इसमें निर्भर थे, कृषि से संबंधित थे, कृषि में कार्य करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे, और इसके बाद आज की भी डेट में कहीं ना कहीं जो 53 से 54% लोग आज भी इसी पे जो निर्भर हैं बने हुए हैं। तो यहाँ के ज़्यादातर लोग जो कृषि में जो है नियोजित हैं और कृषि से अपनी आय जो है चलाने का जो प्रयास करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर बेरोजगारी भी पाई जाती है। और तो दूसरी इसकी जो विशेषता यही हो जाती है कि यहाँ पर जो है कृषि में बेरोजगारी विद्यमान है, कृषि में जो है वो बेरोजगारी विद्यमान है। अब जैसे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी भी क्षेत्र में कृषि के अंतर्गत जो है हम उपजाऊ या कृषि भूमि को बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन जनसंख्या अगर बढ़ रही हो, टोटल जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद से आज भी कमोबेश वही लगभग आसपास बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या इसमें इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या नियोजित है। तो इसका परिणाम है कि यहाँ पे कृषि में बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि में दो तरीके की बेरोजगारी है, एक जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी और दूसरी जो है वो मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के तात्पर्य छिपी हुई बेरोजगारी है, यदि एक हेक्टेयर खेत में जो है 4 लोग काम कर सकते हैं और किसी परिवार में जो है संयुक्त परिवार में 8 लोग हैं और 8 लोग काम करते हैं तो हम उत्पादन तो नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन लोगों को जो है उसी में लगा करके उन्हें बेरोजगार बना सकते हैं, तो वो बेरोजगारी दिखाई नहीं पड़ती है। प्रच्छन्न का मतलब डिस्टाइच, दिखाई ना पड़ना। तो जो काम चार लोग पांच लोग कर सकते थे उसी काम को 8 लोग कर रहे हैं, उत्पादन उतना ही है लेकिन लोग उसमें ज्यादा लगे हुए हैं, इसलिए उनका जो है आनुपातिक रूप से इनकम कम हो जाती है और वे लोग गरीबी की श्रेणी में आते हैं। मौसमी बेरोजगारी का मतलब यहाँ की फसलें मौसम पर आधारित होती हैं, जिन जो है मौसम में फसलों का उत्पादन होता है तभी उनको रोजगार मिलता है, बाकी समय में ये बेरोजगार होते हैं, जो भी उनके गरीबी का भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो बेरोजगारी भी भारतीय कृषि की एक जो है कहीं ना कहीं समस्या है, और ये समस्या उसकी
विशेषताओं के रूप में जो है आती है। विशेषताएं जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ों को जो है उसके प्लस और माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव सभी चीज़ों को जो सम्मिलित किया जाता है। तो इससे संबंधित निबंध भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको जो है पूरी तरीके से जो है समझना और देखना बहुत जरूरी है। कृषि जोत, कृषि जोत जो है वो भारत में बहुत ही छोटा है। अब इसके क्या समस्याएं हैं, जनसंख्या बढ़ रहा है तो लोग आपस में जो है बंटवारे भी करते हैं भूमियों का, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े भी हो जा रहे हैं। औसत जोत का जो आकार है वो 1.06 हेक्टेयर है। भारत में जो कृषि में औसत जोत है वो 1.06 हेक्टेयर है, और प्रति व्यक्ति जो भूमि है, प्रति व्यक्ति भूमि वो 0.10 जो है हेक्टेयर प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता है, और जोत है जो भूमि के टुकड़े हैं उसका औसत आकार जो 1.06 हेक्टेयर जो पड़ता है। तो ये जो जोत का आकार है वो बहुत छोटा हो जाता है, और बहुत छोटे जोत के आकार में जो है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम उन्नत किस्म के टेक्नोलॉजी का भी जो उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा उत्पादन और उत्पादकता दोनों प्रभावित होती है। अगला है अनुर्वर भूमि, अनुपजाऊ। भारत में जो है भूमि है, पूरी दुनिया का 2.4% जमीन क्षेत्रफल भारत का जो है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर भूमि के कृषि में उपयोग की बात किया जाए तो उतना बेहतर ढंग से हम लोग नहीं उपयोग में ला पाते हैं। अब इसके क्या परिणाम, दुष्परिणाम होते हैं कि अनुपजाऊ भूमि होने के कारण से हमारा उत्पादन जो है प्रभावित हो जा सकता है, उत्पादकता भी प्रभावित होती है। यहाँ पर बंजर भूमि है, परती भूमि है, और कुछ ऐसे भी भूमि है जो अनुपयुक्त भूमि है, उनका जो है अनयूज्ड है, जो प्रयोग में नहीं ला जाती है। यदि उनका जो सुधार किया जाए, भूमि सुधार किया जाए और उनका समतलीकरण किया जाए, वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएँ बनाई जाएँ या लाई जाएँ, नहरें निकाली जाए, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अन्य विकसित देशों की तुलना में हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे पीछे बनते हैं, तो इसलिए अनुपजाऊ भूमि की जो एक विशेषता के कारण से भी उत्पादन और उत्पादकता यहाँ पे प्रभावित होती है। आगत, आगत का क्या तात्पर्य है, कृषि में उत्पादन के समय जो है हम विभिन्न प्रकार के जो है बीज और इसी तरीके से कीटनाशक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, और ये सभी चीजें आगतों के अंतर्गत श्रेणी में, आगतों की श्रेणी में जो है आती है, यानी कि इनका कृषि में जो है उपयोग किया जाता है और इसे आगत कहते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो उन्नत किस्म के जो है आगतों का प्रयोग नहीं किया जाता। भारत में अभी भी 74% जो कृषक हैं वो सीमांत श्रेणी में हैं, इनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, और इसलिए इनकी आय भी कम होती है। उच्च किस्म के जो है बीज उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है इनका उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही जो है कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होती है। अगली समस्या जो है वो साख की समस्या है। साख अगर सामान्य अर्थ में देखा जाए तो ऋण से जो है इसका तात्पर्य है, अंग्रेजी में इसे क्रेडिट कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के समय अगर देखा जाए तो उस समय जो है भारत में संस्थागत जो है साख का अभाव था, और अनौपचारिक रूप से व्यक्ति जो है साख के लिए जो है ऋण के लिए जो है महाजन और साहूकारों पर निर्भर होते थे, और जब उनसे ऋण लेते थे तो वह अलग अलग प्रकार के कई शर्तों को जो मानने के लिए बाध्य होते थे, और उन्हीं शर्तों के जाल में फंस कर अपने दाम उत्पादन को औने पौने दाम पर बेचने के लिए भी कहीं ना कहीं विवश होते थे। तो ये बातें होती थी जो साख के लिए। भारत में अगर साख देखा जाए तो यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक और इसी तरीके से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक जो है यहाँ पर लोन देते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा दिया जाता है, उसके बाद सहकारी बैंकों के द्वारा दिया जाता है, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा लोन दिए जाते हैं। तो 74% वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, 17% जो है वो सहकारी बैंकों के द्वारा, और लगभग 9% जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा दिया जाता है। अगर ये भी पूछता कि कृषि में साख, कृषि साख के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोन किस बैंक के द्वारा दिया जाता है, तो क्या है, वो वाणिज्यिक बैंक आप लोगों के लिए आएगा।
ये जो चीजें हैं कि साख के संदर्भ में भी समस्याएं हैं और साख लेने की जटिलताएं भी हैं, बंधक रखने की जो है यहां पर कोई आधार नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति या एक कृषक बैंकों से लोन लेने के लिए जो इतनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है, इतनी जटिलताओं का सामना करता है, उसको आसानी से लोन नहीं मिल पाते हैं और इसके भी कारण से कहीं ना कहीं वो जो है साहूकार और महाजन के जो है जाल में फंस जाता है। तो ये रही व्यवस्था जो है साख। रूढ़िवाद, भारतीय कृषकों का कहीं ना कहीं रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, चाहे वो शिक्षा के कारण से रही हो या चाहे पूंजी के कारण से हो या चाहे तकनीक के कारण से हो, कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसलिए जो है वो कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन नहीं कर पाते हैं, यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भारत की अन्य देशों की तुलना में कम बैठती है। तो इसलिए जो है भारत के कृषकों को जो है आधुनिक तकनीक से, विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्रों से, शिक्षा से कहीं ना कहीं हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करना होगा, तभी हम उनको जो है एक आधुनिक तरीके से कृषि के लिए जो प्रोत्साहित कर पाएंगे। और ये रूढ़िवादिता ही एक ऐसी कारण है जिसके कारण से कृषि में जो है अगली जो विशेषता है वो न्यून उत्पादकता बन जाती है। न्यून उत्पादकता भारत में जो है रूढ़िवाद है, अशिक्षा है, पूंजी है, तकनीक है, बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, इनका जो अच्छे किस्म से जो है प्रयोग में नहीं ला पाते हैं किसान। इन सभी कारणों से जो है कृषि में जो है उत्पादकता अत्यंत ही न्यून हो जाती है, या ये कहा जाए कि प्रति हेक्टेयर कृषि की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। तो ये बातें जो है रही हैं कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में न्यून उत्पादकता को जो लेकर के। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि विपणन की समस्याएं। विपणन यानी कि कृषि के उत्पादों की बिक्री ही जो विपणन कहलाती है, जिसे मार्केटिंग कहा जाता है, विपणन कहा जाता है। अब ये उच्च स्तरीय जो है या आधुनिक मंडियों तक अपने खाद्यान्न को नहीं ले जा पाते। दो कारण हैं, एक तो इनके पास साधनों का भी जो अभाव है, दूसरा अच्छे किस्म के मार्ग नहीं है, जानकारी का अभाव है, या साख व्यवस्था के अंतर्गत जब ये महाजनी चंगुलों में फंस जाते हैं तो अपना अनाज वो महाजन को साहूकारों को बेचने के लिए विवश होते हैं, इसलिए ये आधुनिक मंडियों में नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं इनको जो है उच्च स्तर के जो है मूल्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं। दूसरा, इनके पास जो है क्षमता या जो है इनके पास जो आर्थिक रूप से बैकअप नहीं होता है, इसलिए इन्हें अपने उत्पादन को तत्काल बेचना होता है, कम दामों पर बेचना पड़ता है, महाजन एवं साहूकारों को बेचना पड़ता है। तो ये सारी जो है व्यवस्थाएं हैं, ये सारे कारण हैं कि इनके पास उच्च स्तरीय साधन नहीं है, मार्ग जो है खराब है, जिससे मंडियों तक ये संपर्क नहीं कर पाते हैं, जानकारी का अभाव है, महाजनी ऋण की जो व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं इनको जो है इनके उपज का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए बाधा पैदा करता है। तो ये कुल मिलाकर के जो भारतीय कृषि की कुछ जो विशेषताएं या समस्याएं, दोनों ही आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें समस्याएं भी बहुत है। जब हम किसी विकासशील देश के संदर्भ में किसी जो है विषय का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे समस्याएं ही ज्यादा जो प्रतीत होती हैं। तो भारत में भी कृषि कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा आय का साधन नहीं बन पा रहा है, माध्यम नहीं बन पा रहा है, तो उसमें समस्याएं कहीं ना कहीं विद्यमान है। यद्यपि तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो प्रति वर्ष के अगर हम मीट्रिक टन उत्पादन को देखें तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, किसी एक दो वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन इसमें अभी और अपेक्षित सुधार है। तकनीक के माध्यम से इसको जो है आधुनिक बनाने का प्रयास करना होगा। तो जिस तरीके से इसमें वृद्धि हो रही है तो कुछ न कुछ आने वाले समय में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक निश्चित समय के बाद भारतीय कृषि भी भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार देने के साथ साथ जो है आय प्राप्त करने का भी जो है माध्यम और जरिया बन जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कृषि नीति के अंतर्गत जो है कृषि के एक सामान्य परिचय, कृषि के महत्व और कृषि की विशेषताएं और समस्याओं को देखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से कृषि के बारे में एक बेहतर समझ आपको विकसित हुई होगी। इस लेक्चर के माध्यम से आप जो है निबंध भी लिख सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को भी हल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में कृषि से संबंधित बस इतना ही। पुनः अगले लेक्चर में कृषि के आगे के जो है बिंदुओं को और टॉपिक को कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए आप अपने परंपरागत विषयों के साथ साथ जो है करंट अफेयर्स और कृषि इकोनॉमिक्स इत्यादि का जो अध्ययन करते रहिए। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।